और इससे पहले कि मैं आज के स्वाधीनता दिवस के एपिसोड में आगे बढ़ूं, कदम से कदम मिलाते हुए जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है, मिलते हैं मेरी साथी नेहा के मेहता से जोरदार तालियों के साथ। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा के मेहता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं और फिर से एक बार आपके लिए कहती हूं, वाह वाह क्या बात है। जिस देश में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हो, आइए उस देश को सलाम करते हैं, उस देश के स्वाभिमान को सलाम करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे कवि क्या कहने वाले। पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले, जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर क्या ले। बात है। मेरे रुके नहीं पाँव, नाच उठा सारा गाँव, प्रीत पे जवानी धाई रे, कुरवा कुरवा सुहाने आए रे, कुरवा। हेल फिर से है शो क्षण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा, पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज है, तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज है, यानी फिर से गुलामी के घन छा गए, हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए, हम जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत, तुलसी और निराला हो, महावीर हो, बुद्ध तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो, अरे उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। शेरों जैसी चाल थी जिसकी, वो आजाद परिंदा था, गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था, बचपन के 15 बेतों ने जिसको उग्र बनाया था, बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जले हुए लहराता था, अंग्रेजों को देख के हरदम भंवर शेर बन जाता था, ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं। आज 11 अगस्त 2013 और आज से ठीक चार दिन बाद 15 अगस्त 2013 जब हमारी आजादी की वर्षगांठ मनाएंगे, हमारा स्वाधीनता दिवस, हमारा स्वतंत्रता दिवस। जिन लोगों ने इस वतन के लिए अपना तन दिया, अपना मन दिया, आइए हम उन्हें मिलके भावना के सुमन दें और इस खूबसूरत हिंदुस्तान के लिए हम मिलके कहें वाह वाह क्या बात है। हमारे इस इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड को और खूबसूरत और स्पेशल बनाने के लिए हमारे तीन प्रमुख कवि आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ है इटावा के कमलेश शर्मा, एक ऐसे युवा कवि जिन्होंने अपने गीतों से इस देश की अव्यवस्था को भीतर तक कुरेद के रख दिया, कमलेश शर्मा। एक ऐसी तेजस्वी युवती जिसने बहुत बचपन में कविता लिखना पढ़ना प्रारंभ किया, आज जब वो इस देश की युवा पीढ़ी की कतार में खड़ी है और देश की अव्यवस्था के खिलाफ और इस राष्ट्र की धरती के प्रेम के लिए जब अपनी कविताएं कहती है तो लोग कहते हैं कविता तिवारी वाह वाह क्या बात है। लखनऊ की कविता तिवारी। मदन मोहन समर, मध्य प्रदेश में बैतूल के अंदर वो शहर कोतवाल है और खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करते हैं और कलम से इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं। मदन मोहन समर का हम स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान की धरती पे हिंदुस्तान का युवा क्या सोचता है, ये जानने के लिए हम इस एपिसोड की शुरुआत एक ऐसी तेजस्वी कवित्री से करना चाहते हैं जिसका स्वर जब गूंजेगा तो हर घर में एक ही नारा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए सुनते हैं कविता तिवारी। अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ इस राष्ट्रीय पर्व पर, हम सब क्या चाह सकते हैं सुने। स्वागत। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह।
ईश्वर की वंदना करती हूँ और इस ईश वंदना से राष्ट्र वंदना तक पहुँचती हूँ। कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। स्वागत। हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे सर्वेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घट वासी, हे सुख राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर में, माँ का धानी परिधान रहे, कविता चाहेगी धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे। क्या बात है, वाह। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम सबसे शक्तिशाली देश हैं। शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि हम पूरे विश्व में एकमात्र युवा देश कहे जाते हैं। कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हो? सुना। हाँ, कविता। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी दृष्टि में भारतवर्ष क्या है? खड़ा नगराज धरती के समुन्नत भाल जैसा है, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है, शुभ टकसाल, यहाँ की संस्कृति का रूप शुभ टकसाल जैसा है, कोई उपमा में सारे विश्व को कह दे शिवाला तो, क्या बात, हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है, हमारा देश पावन आरती के थाल जैसा है। और आइए इस युवा शक्ति का आह्वान करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि बहुत से फिल्मी गाने भले ही आए हैं लेकिन आज ये देश मांग कर रहा है कि हम कुछ अलग ही भजन गुनगुनाएं, कुछ अलग ही गीत गुनगुनाएं। वो भजन क्या हो सकता है वर्तमान परिदृश्य में? सुनाए। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटकन भावना की भ्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी भजन कर ले, हंसते हंसते फांसी चढ़कर, हंसते हंसते फांसी चढ़कर अपनी जान गंवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी, क्या बात है, और हमें बदले में दे दी ये पावन आजादी। और ये आजादी कौन लाया है? मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, वाह वाह, मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, जर्रा जर्रा इंकलाब विद्यमान है, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, शेखर सुभाष अशफाक की कसम, हर देश भक्त में भरा गुमान है, क्या बात है, हर देश भक्त में भरा गुमान है, जिंदा है सावरकर अंडमान में, जिंदा है सावरकर अंडमान में, कीर्ति की पताका पहरे जहान में, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, खुशियां ही खुशियां है हिंदुस्तान में, क्या बात है, खुशियां ही खुशियां है हिंदुस्तान में, मन मेरे खुद को मगन कर ले,
ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। लाख पवंडर उठे भले हो, लाख पवंडर उठे भले हो, विपदाओं की आंधी संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी। संग खड़े मिल जाएंगे तुमको शेखर बिस्मिल गांधी। और गीत का अंतिम पंक्ति पूरे साहित्यिक समाज के नाम है, पंक्तियां सुने। स्वागत कविता। कैसे भूलें दृष्टिकोण वरदाई का, कैसे भूलें दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का। क्या बात है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का। हाँ हाँ। स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का। और एक उद्देश्य जो आज के दिन वावा क्या बात है आप सबको देना चाहता है, मैं अपनी पंक्तियों में ढालने का प्रयास करती हूँ। पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना, सुधियों को मन में सजाए रखना, कवियों की कविताएं याद करके, कविता की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना, अपने तिरंगे को उठाए रखना। कभी ऐसे भी भजन कर ले, राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने, राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने सोई आस जगा दी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक उम्मीद की मशाल कविता तिवारी प्रतिनिधित्व करती है इस देश की युवा पीढ़ी का, और उम्मीदों की मशाल हमारे हाथ में थमा के जाती है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले। तब मुझे एक बहुत मकबूल कवि की सिर्फ दो पंक्तियां याद आती। उन्होंने बहुत खूबसूरत कहा था कि वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख, वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख, फिलहाल अपने शेर शहीदों के नाम लिख। आइए हम सुनते हैं इस देश की युवा पीढ़ी की अव्यवस्था के खिलाफ एक और चीख कमलेश के गीत के रूप में। चार पंक्तियों से इस देश की आम जनता की ओर से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ कमलेश, इजाजत। हम उनसे अपना क्रोध जता पूछ रहे हैं। वाह। हम उनसे अपना क्रोध जता पूछ रहे हैं, अब तक हुई है किससे खता पूछ रहे हैं, ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो, ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो, हम उस स्वतंत्रता का पता पूछ रहे हैं। वाह वाह वाह। आजादी के 66 वर्ष के इतिहास की समीक्षा करता हूँ, आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, बन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं, फैल फिर से है शोषण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा, पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज है, पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज है, तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज है, यानी फिर से गुलामी के घन छा गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए। पहला बंद रखता हूं जी। सोच कर खुश हुए हम सवेरा हुआ, सोच कर खुश हुए हम सवेरा हुआ, किंतु फिर दिख रहा तम घनेरा हुआ, रोशनी झोंपड़ी से बड़ी दूर है, वह अंधेरों में
जीने को मजबूर है, जिनके हाथों में सारे ही अधिकार है। सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार है, सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार है। हद तो ये है वही रश्मि रथ पा गए, वाह 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 क्या बात है, वाह वाह वाह। से चले थे वही आ गए, जिस समय हम चले मंजिलें दूर थीं, किंतु उत्साह लहरें भी भरपूर थीं। था भरोसा हमें लक्ष्य संधान का, गूंजता था जहां स्वर विजय गान का। किंतु कुछ पग चले कारवां रुक गया, शीश कल था तना आज है झुक गया। दृश्य यह देख कर हम तो शर्मा गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। अंतिम बंद रखता हूं जी। हम गुलामी के बंधन में जकड़े रहे, दो सदी हमको अंग्रेज पकड़े रहे। देश जिनके हवाले थे वे कर गए, उनको जैसे ही मौका मिला चर गए, क्या बात है? उनको जैसे ही मौका मिला चर गए। देश को झूठे नारों ने कुछ खा लिया, धर्म के ठेकेदारों ने कुछ खा लिया, जो बचा भ्रष्ट नेता उसे खा गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए, क्या बात है, जहां से चले थे वहीं आ गए। इसी धरातल पर खड़े होकर के एक कविता और रखता हूं। हाँ कमलेश, बिहार के इतिहास से एक पंक्ति उधार ली है जी, सुनाया। जुटे हैं भांति भांति के लोग, कर रहे मन चाहा उपभोग, कि जैसे जूठन थाली की, कि जैसे जूठन थाली की। संसद आज बना दी नगर बधु वैशाली की, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। कैसे कैसे लोग वहां पर हैं, टिप्पणी करता हूं, कि जिनके प्रति आदर रखते, कि जिनके प्रति आदर रखते, उंगलियों पर हम गिन सकते। शेष जो हैं वे न्यारे हैं, कई उनमें हत्यारे हैं, जेब कट और मवाली हैं, कई 100% जाली हैं। अपहरण है जिनका धंधा, क्या बात है, अपहरण है जिनका धंधा। धनी जो हुए माग चंदा, धनी जो हुए माग चंदा, है दोषी माल चुराने के, रहे दामाद है थाने के। कई तो ऐसे वहां हुजूर, सभ्यता से हैं कोसों दूर। क्या बात है? बोलते भाषा गाली की, बोलते भाषा गाली की। संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। और देश की सबसे बड़ी पंचायत पर टिप्पणी करता हूँ जी। भ्रमित है किंतु निरापद है, भ्रमित है किंतु निरापद है, अजायब घर सी संसद है, अजब कानून बनाती है, जमूरे चुनकर लाती है। जो स्पीकर कहलाता है, जो स्पीकर कहलाता है, कभी भी बोल न पाता है, किसी की कोई नहीं सुनता। देश यह देख शीश धुनता, देखता जब संसद दरबार, देखता जब संसद दरबार, हमें लगता मछली बाजार। हुई गरिमा बेमानी है, हुई गरिमा बेमानी है, शर्म खुद पानी पानी, क्या बात है, शर्म खुद पानी पानी है। देख उनका ऐसा व्यवहार, उठी संसद की हर दीवार। व्यर्थ देना है सही सलाह, क्योंकि अब है अनसुनी कराह, कि जैसे आम्रपाली की संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है।
आदमी जब एक उंगली का इशारा दूसरे की ओर किया जाता है जी, तो तीन उंगली हमें हमारी ओर भी इशारा करती हैं जी। मैं आप सभी से उस अपराध की ओर संकेत करता हूँ। दागियों को चुन कर हर बार पाप में हम भी भागीदार। बिल्कुल सही बात है। दागियों को चुन कर हर बार पाप में हम भी भागीदार। वक्त जब निर्णायक आता हमें हर कोई भरमाता। किसी को सिर्फ धर्म दिखता, कोई जाति के लिए बिकता, कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता मजबूरी में, कोई बिकता मजबूरी में। हुआ है लोकतंत्र बदहाल, घूमते हैं वोट के दलाल। क्या बात है। दास्तां दलाली की संसद आज बना दी नगर बधू वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। बहुत बहुत बढ़िया कमलेश इस दर्द के लिए। निश्चित तौर पर देशवासियों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारी आज़ादी को हम उन लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो शायद इसके लायक नहीं है। लेकिन आशा अभी बाकी है कमलेश, इतने निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आज भी इस देश के अंदर अहिंसा बाकी है, सच्चाई बाकी है, ईमानदारी बाकी है, प्यार बाकी है, विवेकानंद बनने की क्षमताएं बाकी है और कविताएं बाकी है। आइए सुनते एक ऐसे कवि को जो आशा जगाता है इस देश की युवा पीढ़ी में, मदन मोहन समर। मैं सबसे पहले एक कविता आपके बीच में देता हूं। खाकी को सलाम करते हुए जब संसद पर हमला हुआ और हमारे 8 जवान जो खाकी वर्दी के शहीद हुए, आइए उन्हें सबसे पहले प्रणाम करता हूं जी। कि जब भारत की रक्षा करने खाकी वर्दी लाल हुई, संसद छूने वाली ताकत 100 गज दूर हलाल हुई। क्या बात है। उनके गर्म खून के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। क्या बात है। 8 जवानों की कुर्बानी, 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नी में ऊपर हिंदुस्तान रखा। क्या बात है। उनके लिए हमारी आंखों में थोड़ा सा पानी है, जब तक सूरज चांद रहेगा उनकी अमर कहानी है। उनके उनके जीवन के कुछ लम्हों का भारी एहसान है, उनके एक लम्हे पर जिंदा युग युग हिंदुस्तान है। क्या बात है। मित्रों, एक मेरी कविता जिसने मुझे मदन मोहन समर बनाया, मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। मदन जी, एक छोटी सी उसमें मेरी कविता में बात आती है असी और मसी। असी का अर्थ होता है शस्त्र, मसी का अर्थ होता है स्याही। मैं जब अपने थाने पर अपने कर्तव्य में होता हूं, मेरी असी मेरे शस्त्र अपने साथ होते हैं। कविता सुनाने के लिए जब आपके सामने आता हूं, मेरी मसी अर्थात मेरी स्याही आपके लिए उमंग लेकर आती है। आइए बात करते हैं। हम असी मसी के संयोजन से चित्र बनाया करते हैं, मिला स्वेद में शोणित को नवरंग सजाया करते हैं। प्यार कपोतों से हमको पर बाजों से परहेज नहीं। भारत की तरुणाई को होने देंगे निस्तेज नहीं। हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो मेरे युवा साथियों, संकल्पों के साधक हो तुम, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम्ही हो, भारत माँ का तुम ही हिंदुस्तान हो। तुम्ही शिवाजी की हुंकार, राणा की तलवार तुम्ही, शंखनाद हो भगत सिंह का, ऊधम की ललकार तुम्ही। शेखर के संकल्पों को तुम गाती हुई जवानी हो, तुम्ही सुनीता विलियम वाली साहस भरी कहानी हो। इंदिरा हो तुम लाल बहादुर, तुम ही अटल बिहारी हो, भीमराव हो जयप्रकाश हो नेहरू की फुलवारी हो, गांधी की तुम परम अहिंसा, तुम ही सुभाष का नारा हो, तुम ही इरादे हो पटेल के, तुम कलाम की धारा हो। अन्याय का उत्तर देता नीतिगत संग्राम तुम ही, लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम तुम ही, खेतों की हरियाली में तुम बहता हुआ पसीना हो, सरहद पर संगीन संभाले तुम फौलादी सीना हो। क्या बात है। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान किनसे बनता है? हिंदुस्तान चंद बेईमानों से नहीं बनता, हिंदुस्तान उनसे बनता है जिनकी आत्मा, जिनकी रोशनी हमारे अंदर प्रज्वलित है,
जिनके कारण हम हिंदुस्तानी बनते हैं, कौन है? आइए अपनी अपनी आत्मा के अंदर झांकते हैं। सूर कबीरा मीरा नानक रहमन वारस खान तुम्हें, तुकाराम रैदास फरीदा तानसेन की तान तुम्हें, तुम्ही दधीची दुर्वासा हो परस राम दशमेश तुम्हें, एकलव्य हो भीष्म तुम्हें हो लक्ष्मण का व्रतवेश तुम्हें, पीर फकीरों की माला हो शिरडी का अवतार तुम्हें, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्हें, दयानंद का शोध तुम्हें हो, ओशो का अनुरोध तुम्हें, परमहंस का बोध तुम्हें हो, गीता का उद्बोध तुम्हें, हर युग में चाणक्य तुम्हें हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो तुम्हें, वेद की ऋजा शाश्वत तुलसी और निराला हो, महावीर हो बुद्ध तुम्हें हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो, अरे उठो विवेकानंद तुम्हें तो भारत के निर्माण, विवेकानंद। नेहा जी, आप इस देश की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं एक बंद आपके सम्मान में, देश की बेटियों के सम्मान में, कविता बैठी है उसके सम्मान में, मेरी जितनी बहनें बैठी हैं उनके सम्मान में एक बंद अर्पित करना चाहता हूं आपको। जी, याद करो वो पन्ना धाए वाला पन्ना तुम ही तो हो, झांसी वाले झंडे की हर विजयी तमन्ना तुम ही तो हो, तुम ही पद्मनी हो इज्जत की खातिर जिसने आग चुनी, मैना हो जो जली मगर जल आजादी का राग बनी, आदर्शों की किरण बांटती वर्दी धारी तुम ही तो हो, संसद का प्राचीर बनी कमलेश कुमारी तुम ही तो हो, सारे गामा पाधा नीसा के उस पार लता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो तुम्ही शकुंतल के भारत दाग गिने जो शेरों के, लव कुशो अवरोध हुए जो अश्वमेघ के पैरों के, दीवारों में चुने गए जो दुधमुओं का ओज तुम्ही, गजनी को ललकार भगाने वाला राजा भोज तुम्ही, दर्शन हो विज्ञान तुम्ही, कल हो तुम इतिहास सो, पत्थर में भगवान बसा दे तुम में सब विश्वास सो, दशकंदर की भरी सभा में तुम मंगत का पांव हो, कड़ी चुनौती मिल जाए तो अभिमन्यु का दाम हो, जो दुष्टों को चीर फाड़ दे नरसिंह के नाखून तुम्ही, सदा भीम के भुजदंडों में बहने वाला खून तुम्ही, खप्पर हो तुम रणचंडी के बासुरिया हो श्याम की, तुम्ही रुद्र का नेत्र तीसरा शक्ति हो तुम राम की, अर्जुन के तुम धनुष बाण हो तुम ही स्वयं षडंगी हो, मैं तो केवल जामवंत तुम सारे बजरंगी हो, मैं तो केवल जामवंत तुम सारे बजरंगी हो, तुम बजरंगी देश राम है, सीता भारत माता है, संग नील नल खड़े हुए तो जल सेतु बन जाता है, उठो 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 टटोलो अपने मन को अपनी शक्ति जानो, संकट का हर सागर लांगो सुरसा को पहचानो, क्या बात है, वाह वाह सागर लांगो। भाई कमलेश ने अपनी व्यथा दी, सुरसा को पहचानने की जगह कुछ कष्ट देश को मिल रहे हैं, लेकिन हम वीर रस के कवि देश को जगाने का काम करते हैं। कविता को अपने अंतिम छोर की ओर ले जाने का प्रयास करता हूं जी, कि हमको भी तो चूनर चोली चुम्बन गाना आता है, इतराते बलखाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अंगड़ाई पर, गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर, लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, लिख सकते हैं अल्लड़ता पर चिमटी और चिरौरी पर, लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर, हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा, कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव दिखाएगा, इसीलिए मैं चिंगारी की राख खटाया करता हूं, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, मैं तुम्हें जगाया करता हूं। और दोस्तों अंत करता हूं कविता का जी, स्वतंत्रता दिवस पर एक संकल्प लेते हैं, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, क्या बात है, फिर सभी तिरंगे की इज्जत में जय हो भारत गाएंगे, क्या बात है, वाह 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 वाह, ना होंगे विस्फोट कहीं पर, ना सीमाएं रोएंगी, ना होंगे वीराने आंचल, नहीं राखियां खोएंगी, ये हुजी हिजबुल लश्कर उल्फा नक्सलवादी सोएंगे, उन्हें पालने वाले उनको अपने कांधों ढोएंगे, फिर बीजिंग की जुर्रत कैसी अरुणाचल पर बात करे, दो कौड़ी का कोई लफंगा मुंबई पर संघात करे, क्या बात है? हम जागे तो सात समंदर अपना डंका बोलेगा,
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वंदे मातरम बोलेगा। समर जी, आपकी इस कविता के बाद देश के हर घर में वंदे मातरम और भारत माता की जय गूंज रही है। आपने देश की युवा पीढ़ी को जगाने के लिए जो कहा है वो निश्चित तौर पे काम आएगा। इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए चंद वरदाई से लेके इन कवियों तक जो कलम का योगदान रहा है, मैं उस कलम को सिर्फ प्रणाम कर सकता हूं। एक ऐसे शख्स है जिन्होंने जब भी फिल्म बनाई, मुल्क सबसे पहले उनके जहन में आया, जिन्हें आप सब जानते हैं, लेजेंडरी मनोज कुमार साहब। और जो मुल्क के लिए फिल्म बनाते थे तो उनके जहन में सबसे पहले एक कलम का नाम आता था, जिसे मुझे ही नहीं मंच को गर्व है, हिंदी को गर्व है, गीतों को गर्व है। और स्वाधीनता दिवस के दिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे बीच में है, संतोष आनंद।
यकीन मानिए दोस्तों, जब हम स्वाधीनता दिवस की बातें कर रहे हैं, देश की स्वतंत्रता की बातें कर रहे हैं, तब मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। सोचिए कि जब देश की युवा पीढ़ी ये कहती है कि कभी वंदे मातरम की विभाजन कर लो, इन्हें राह दिखाने वाली पीढ़ी ये कहती है कि वतन से बड़ी चीज कोई नहीं है। आइए मिलकर हम इस स्वाधीनता की रक्षा करें, शहीदों ने जो शोणित बहाया है उसे नमन करें। सच बताऊं शैलेश जी, जी आज के एपिसोड की कविताओं में एक अलग ही तेज है। और आपको पता है हमारे आज के छुपे रुस्तम का तो नाम ही तेजस है। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे छुपे रुस्तम अनिल तेजस जी का। मैं उनकी बात करना चाहता हूं जिनकी शहादत की बदौलत हम सभी आज वाहवा के माध्यम से इस स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। जी अनिल, कि आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से, हमने आजादी पाई है खूंके बहते धारों से, वतन हुआ आजाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से, भारत का सिर ऊंचा उनकी स्वर्णित भरी जवानी से, गर्म लहू से जिन लोगों ने भारत का श्रृंगार किया, फांसी के फंदे पर चढ़ के भारत माँ से प्यार किया, अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था, और सुभाष ने हिटलर जैसों से लूट कराया था, सिंहों की आजादी को अब गीदड़ ना नीलाम करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी होने लगी, अशफाकुल्ला की आंखों से आंसू आने लगे, तब बिस्मिल ने कहा शायद तुम्हें मौत का डर सता रहा है। अशफाकुल्ला ने कहा हिंदू धर्म में अनेकों बार जन्म लेने की मान्यता है, बिस्मिल भाई तुम अनेकों बार जन्म लेके भारत माता की सेवा कर सकते हो, लेकिन इस्लाम में केवल एक बार जन्म लेने की मान्यता है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं भारत माता की सेवा केवल एक बार कर पाऊंगा। एक ऐसे चरित्र को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने शपथ ली थी कि ब्रितानिया हुकूमत में वो ताकत नहीं, ब्रितानिया फौज में वो ताकत नहीं कि जो गोली मेरा शिकार कर सके। तब शैलेश जी पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था, बचपन के 15 बैतों ने जिसको उग्र बनाया था, बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था, कमर में पिस्टल जिसके सीने पर जले लहराता था, अंग्रेजों को देख के हरदम भंवर शेर बन जाता था, ऐसे चंद्रशेखर को यारो हम सलाम सब करते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं जो वतन के खातिर मरते हैं, आजादी की दुल्हन का अब और न कत्ले आम करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। एक छोटा सा बालक जब लाहौर की हीरा मंडी में तिरंगा लेके जाता है, तब पंक्तियां पढ़ता हूँ। खुशी राम ने हीरा मंडी में झंडा फहराया था, सात गोलियां सीने पे खा के भी ना घबराया था, झांसी की रानी ने जब अपनी तलवार चलाई थी, अंग्रेजों को हरदम उनकी नानी याद दिलाई थी, कुंवर सिंह की छापा मारी से गोरे घबराते थे, बख्तावर को देख के दुश्मन उल्टी दौड़ लगाते थे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जब फांसी पर झूले थे, अंतिम सांसों तक वो भारत माता की जय बोले थे, अंतिम सांसों तक वो भारत माता की जय बोले थे, ऐसे अमर शहीदों का आओ हम सब सम्मान करें, जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है। निश्चित तौर पे हमारी युवा पीढ़ी की भुजाएं अभी फड़क रही होंगी, हमारी स्वाधीनता को संजोने की ताकत जो उनके भीतर है उस ताकत को फिर से आपने जगाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा भी कर्तव्य हम पूरा करते हैं, आइए मिलकर स्मृति चिन्ह दें अनिल तेजस को। हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। हमारी अस्मिता का प्रतीक ये तिरंगा इसी तरह लहराता रहेगा, फहराता रहेगा। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा, और इस आगे बढ़ते युवा हिंदुस्तान के लिए सारी दुनिया कहेगी वाह वाह क्या बात है।